अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज मैं फिर से अपने गांव आया हूँ, मलक अबरार के साथ हूँ और हम जा रहे हैं अभी बाहर का व्यू लेने, क्योंकि जो फसलें हैं इन्होंने जो मक्की की फसल काश की थी वो भी देखने जा रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम है और आपको शाम का जो है यहाँ का व्यू देंगे। वीडियो से जो है जुड़े रहना है। और इब्रार भाई से जो आज काफ़ी सारी बातें करेंगे इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में और दूसरी लाइफ के बारे में। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नहीं होता है, सब्सक्राइब होता है। हाँ, वही जो इब्रार ने कहा है। तो वीडियो कर देना है लाइक। लाइक सही होता है? हाँ लाइक। हाँ लाइक कर देना है। तो चलते हैं आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो ये व्यूअर, ये बंदा दो नंबर है, आज इसने मुझे थका दिया है। थोड़ा सा बाहर गए थे, इतने मोटरसाइकिल नहीं चलाई, सारा राह मुझे चलाया है इसने, चला चला के मैं थक गया हूँ सच में। आज मैं चल नहीं सकता था, लेकिन ये पकड़ के ले गया, चल वीडियो बनाते हैं भाई। राह नहीं होता, रास्ता होता है। हाँ सारी रास्ता या सारा राह। हाँ वही, सराकी में राह बोलते हैं और उर्दू में रास्ता। अभी बस दो तीन दिन हो गए हैं यहाँ, विलेज का जो है मौसम बड़ा जो है आउटस्टैंडिंग हो चुका है, क्योंकि यहाँ से दो तीन दिन से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। आज भी बारिश का मूड बना था, सुबह सुबह बादल बने थे, फिर बारिश नहीं आई, क्योंकि बारिश आ जाती तो हम जिस काम के लिए गए थे वो काम शायद ना कर आते, तो यहीं के यहीं रह जाते। इसलिए हम सुबह निकले थे मुल्तान के लिए, तो अबरार भाई का कोई पर्सनल काम था उसके लिए गए थे। तो अभी हम फाइनली पहुँचाए हैं वापसी अपने घर। बस हाँ अबरार भाई, आप कुछ कहो यार। क्या कहें, इसने बस तो कहने के लिए कुछ बचाया भी नहीं है, क्या बोलें। ये देख सकते हैं भैया, वो क्या नाम है आपकी मक्की का फसल, कहाँ काज किया आपने? वहाँ पर वो तैयार होने वाली है, बस नज़दीक है काम उसका। अच्छा, चल रहा है काम, माशाल्लाह से बड़ी बड़ी हो गई है। आए आप भी बार आपको एक पर्सनल बंदे से मिलवाते हैं, सच में मज़ा आएगा। बाकी चलें मिलते हैं उससे। बस मज़ा ना आए गाइज, मज़ा अगर ना आए तो फिर कहना, स्पेशल बंदे से मिलवाने वाले हैं आपको। बरार भाई की जो है माशाल्लाह से अभी जो जगह जो है वो तैयार तकरीबन हो चुकी है, कुछ काम जो है बाकी रह रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह से जो है बरार भाई की शादी भी करनी पड़ेगी। शादी बाबा नहीं करनी ना, अभी शादी को बड़ी देर है, अभी देर है। चलो यार तेरी जगह बन जाए, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे मेरी शादी हो जाए। क्योंकि मैं तेरे से ज़्यादा नहीं तो दो तीन महीने बड़ा हूँ, मेरा फ़र्ज बनता है यार पहले शादी करने का। कितने महीने बड़ा है? तीन चार महीने यार, ज़्यादा तो पाँच महीने। तीन चार साल कम बता रहा है फिर तो? नहीं यार, तीन चार साल कह रहे हैं, मैं कोई किराणों के वेले का हूँ यार, कमाल करते हैं। जब काफिर यहाँ रहा करते ना उस टाइम का है तू? नहीं भाई यार, मेरी पैदाइश 1998 की, ठीक है आप खुद बना लो यार। जैसे भी बस आपने आपने ना ज़रूर बताना है कि मेरी एज कितनी है और अबरार भाई कितनी। अबरार भाई की भी सेम टू सेम एक ही एज है, थोड़ा छः पाँच महीने का हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ गाइस, ये जो कह रहे ना पाँच छः महीने, ये समझ ले पाँच छः साल। तू बच्चा है ना अभी? हाँ अभी मैं छोटा। तू छोटा बच्चा है, मैं देखना कितना देखने मुझे, मैं कितना बड़ा हूँ देखने, छोटा। हाँ तो भी तेरा कद छोटा है, तू वैसे है बड़ा मुझे पता है, तू है भी छोटा मेरे से, तुम्हें इससे बात क्या कर भी। मैं पहले कह देता हूँ भाई। हाँ वही बात है ना। हाँ, क्या कर सकते हैं, तू छोटा है मेरे से, है ना, इससे थोड़ी तमीज से भी बात करनी पड़ जाती है ना। तो स्पेशल बंदे से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं उस बंदे के पास। बंदा तो नहीं कह सकते पर इंसान। नहीं यार ना कर, क्योंकि वो है नहीं, वो तो है मेरे मामू जी, तो बिल्कुल मामू है। तो मेंटली जो है, थोड़ी सी स्टोरी मैं बताता हूँ, कि कहते हैं ना कि मोहब्बत इंसान कहाँ ले जाती है। आए है, इसने अपने अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत की थी कि देखें आज इस हाल तक पहुँच चुका है, और सारा दिन बैठता है और अपनी वाइफ के गुण गाता है। माइंड में बात चलेगी उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो बेचारा ये सारा दिन ही बैठता है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, और याद करता रहता है कि मैं भी शादी करूँगा, इसी तरह से अपनी वाइफ को याद करता है। कहते ना कितनी मोहब्बत ही हो इन दोनों के दरमियान में। तो बिल्कुल भी बस यही बात है, मोहब्बत जो है ना इंसान को इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए किसी के, अगर कोई छोड़ जाए तो फिर उसके बगैर रहा ना जाए। तो बिल्कुल इसकी स्टोरी भी वैसी है, मैं चाहता हूँ अल्लाह करे मुझे ऐसी मोहब्बत ना हो इसके बगैर मैं भी पागल हो जाऊँ। तो बात ये जा रही थी कि हाँ आपको मामू से मिलवाते हैं, तो वो चलते हैं। अबरार भाई जो है
आज वो यार यार आप खुद मोबाइल ले लो, क्योंकि मेरा जो हाथ जो है अभी थक चुका है, क्योंकि 4 मिनट की जो है वीडियो बन चुकी है अभी इस पे। नहीं नहीं व्यूअर्स, ये देखें ये आपको मिलवाता है। चलें यार मैं थका हूँ यार, चल ये मोबाइल तो पकड़ ले मामा। चल दे तू तो मामा। हाँ तो व्यूअर्स ये है मेरे मामू जी। जुल्फकार इधर देखना, तेरी तस्वीर बना रहा हूँ। अच्छा मामू जो है अब अपनी बातें करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते आप जो है। जो जितनी मर्जी बातें कर लो ना, ये रिप्लाई नहीं देते, जो कुछ मर्जी कर लो मेरे भाई। ये उस गर्लफ्रेंड की तरह हो चुके हैं, जो गर्लफ्रेंड आपसे पैसा तो खा लेती है, बाद में जो है ना आपको कभी भी रिप्लाई नहीं देती, आपको कभी नहीं कहती कि आप मुझसे बात करो। आप जितने भी मैसेज करते हो, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता आपको। तो इस वक्त मामू जो है बेचारे मेरे, उनका भी वही हाल हो चुका है, पैसे वाली गर्लफ्रेंड की तरह जो उसे छोड़ के चली जाती है, तो फिर उसे रिप्लाई नहीं करती। तो मामू जी कुछ बात करो यार हमसे। देखा ये अपनी मस्ती में है, कहते हैं ना आशिक मलंग लोग असा। ये मेंटल तौर पे जो है बिल्कुल डिस्टर्ब है, वैसे यहाँ पे बैठे रहते हैं, कभी वहाँ बैठते हैं। तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ, ये मजाक की बात नहीं है, ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से ये अपनी वाइफ की वजह से ऐसे हो गया, इनकी मोहब्बत ऐसी थी और उसकी ना एकदम से हार्ट अटैक हुआ उसको और उसकी डेथ हो गई। तो उस टाइम से ये ऐसे हो गया है और उसकी कब्र पे जाता था, सारा सारा दिन रोता था। अब तो वो वाला मामला नहीं है, लेकिन फिर ये माइंडली तौर पर जो है ना बिल्कुल ऐसे हो गया। बिल्कुल विवश, तो हम जैसे जो है ना वो कहते हैं ना अरे लोग जब मोहब्बत करते हैं तो वो भी इंतहा की करते हैं, जब किसी से नफरत करते हैं वो भी इंतहा की करते हैं। ना कर मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मुझे ऐसे मोहब्बत किया करें ताकि बाद में जो है ना मुझे भी इतनी ज्यादा भी ना करें पर ऐसे किया करें, मोहब्बत अच्छी मोहब्बत करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें यार। गरीब बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ, चैनल को सपोर्ट तो कर दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। वैसे मैं नहीं कहता गरीब बंदा हूँ, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपकी ना सपोर्ट की कमी है, बाकी सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तआला ने सब कुछ दिया है, इज्जत दी है, सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भी बस मामू जो है, वैसे मैं मामू से गपशप कर रहा था, वैसे मामू मेरे जो है ना किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, अपने माहौल में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, जो भी इनका दिल करता है वही करते हैं, बस अपनी सुनते हैं, अपनी करते हैं। गाना तो सुना, गाना तो सुना। वैसे सॉन्ग अच्छे सुनाते हैं, सॉन्ग वैसे अच्छे सुनाते हैं, गाना तो सुना। चल है गाना तो सुना, पर रिकॉर्ड थी ना पे गाना सुना। चल गाना तो सुना दे, टेप पे क्या रखेगा गाना। ये ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਸਾਂ, ਜਰਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਣ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਤਾਂ ਸੁਣਾ, ਵਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਾਣ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਮਾਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਹ ਗਾਣ ਦਾ ਤੇਰੀ ਕਲਿੱਪ ਤਾਂ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ। ਚਲ ਸੁਣਵਾ ਸੇ, ਵਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਾਉ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦੂੰ। ਲੱਗ ਸੇ ਚਾ ਮਨ ਕੋ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰੇਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਆ। ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ, ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੁਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਭ।